बुशरा खान वेलकम टू समा पॉडकास्ट वैसे हम बात कर रहे थे आ, मिस्टर नईम हनीफ ने भी मुझे कुछ बताया था कि बुशरा बीबी के जमनाज़ि में उन्होंने बयान दिया था आ, अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कि उन दोनों के दरबान क्या ताल्लुक था, था क्या होता था क्या नहीं होता था समाओ जो भी चीज़ें थी पैरेंट अब वो जो बयान तो वो दे चुके हैं उसके बारे में क्या चल रहा है और कितनी बातें सामने आ रही हैं फ्रंट डेस्क uh, पर आ रही है और कितनी बातें नहीं आई इस बारे में हम बात करेंगे लेकिन इसके अलावा वो जो ऑडियो लीक हुई थी विशा बीबी की लतीफ़ खौसा साहब के साथ उन्होंने इस पर ना स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया लगता है वो थोड़ा गुस्सा हो गई है वो गुस्सा हो गई हैं और उन्होंने उसके खिलाफ एक uh, जैसे कहते हैं ना नोटिस और रिपोर्ट दर्ज कराई है हाईकोर्ट में एंड शी वांट्स टू नो हु वाज बिहाइंड इट मतलब लगता है कि कुछ ज़्यादा ही उन्होंने इसको सीरियस लिया है और अब वो एंड तक जाएंगी और चेक करेंगे कि ये ऑडियो लीक क्यों हुई तो इसको मतलब कि जो ऑडियो लीक हुई थी वो वाकई सीरियस थी उनकी की हुई बातें सच्ची थी उन्होंने जो बातें की थी वो जर्मन थी यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उस इंटेंसिटी से अगर हाई कोर्ट पहुँच गई हैं तो यानी कि देर वॉज समथिंग वो बातें बिल्कुल ठीक थी जो फ्रंट पर आ गई हैं वेरवाइज अगर बात की जाए मिस्टर इमरान खान की जो किसी वक्त जेल में मौजूद है लास्ट टाइम उन्होंने बयान दिया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे कुछ भी नहीं है ऐसे कोई टफ़ सिचुएशन नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं ठीक ठाक हूँ तो देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है और क्या क्या सहूलियात उनको फ़राहम की जा रही है जेड में वेयर एज़ एक और बात भी मैं इसमें ऐड करूँ जो कि मैं जानना चाहूँगी मिसमेन साहब से आज पॉडकास्ट में पी एम एल एम के अंदर ना बहुत कमज़ोर जिससे कहते हैं ना कमज़ोरी पैदा हो रही है दिन ब दिन उनकी जो स्ट्रेंथ है तोनाई है वो न, सब ना सब कहीं ना कहीं ढलती जा रही है सीट एडजस्टमेंट की बहुत इश्यूज़ चल रही हैं सीट्स पर लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं सब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने को आए हुए हैं स्पेशली अगर बात की जाए नारोवाल की और फिर लाहौर में भी पाँच सीटों पर कौन सी पार्टी uh, कहते हैं ना चीखें मार रही है और फिर नारोवाल में और दानियाल अजीज और एहसन इकबाल की अगर बात की जाए तो दानियाल अजीज ने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब दे दिया कि वो पार्टी ही छोड़ देंगे और मुझे लगता है आइंदा आने वाले वक्त में अगर ऐसा हुआ उनकी बात ना मानेगी उनको सीट ना मिली और एहसन इकबाल ने अपने बेटे को क्या भतीजे को भी सीट अगर दे दी तो फिर लगता है वो दान अजीज आज़ाद उम्मीदवार बनकर अगेंस्ट खड़े हो जाए बातें तो और भी बहुत कुछ है अभी तो मैंने इतना कुछ बताया इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ बताएंगे मैं सुनाई मनीब साहब अलग कैसे आप मुझे ये बताएं सबसे पहले मतलब इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में और मैं चाहूँगी कि ऑब्वियसली हम इसको डिस्कस करें मुलाजिम से बात करते हैं कि जो बुशरा बीबी के मुलाजिम हैं उन्होंने जो बयान दिया था लास्ट टाइम

की जो बातें हैं उस पर इनकी जमात और ये कह सकते थे कि चूंकि ओन चौधरी जो हैं वो पीठ छोड़ चुके हैं वो आईपीपी में चले गए हैं वो एक मुखालिफ पार्टी में जा चुके हैं तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ओन चौधरी का जो बयान है और उन्होंने ऑन उन दी रिकॉर्ड उन्होंने भी कोर्ट में बहुत से इनकशाफा किए जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थे क्योंकि वो पंजाबी में कहते ना दो जिंद एक जान थे मैंने कितनी दफा बताया है खुद आपके exactly. थे, का ये रिश्ता था और वो कुछ ओण चौधरी ने देख रखा है और तो मैं जितना ओण चौधरी को जानता हूँ वो गलत बयानी नहीं करते वो बड़ा एक टू पॉइंट बात करने वाले पोलिटिशन है मेरा उनसे ताल्लुक भी है अब सूरत ये कि उनको एक साइड पे कर देना आप आपके घर का मुलाजिम जिसकी एक्सेस आपके बेडरूम तक भी है जो आपके लिए ट्रे में चाय भी लेके आ रहा है जो आपके लिए खाना भी लेके आ रहा है जो आपकी बेडशीट भी ठीक कर रहा है जो आपके पिलो भी रख रहा है जो आपके कमरे की सफाई भी कर रहा है और दो करवा रहा है आपकी सिक्योरिटी का भी सारा अरेंजमेंट देख रहा है वो शख्स जो है एक बयान दे रहा है आप तरदीद करें उसकी अभी तक आपने तरदीद क्यों नहीं की उसने तो खौफनाक बातें की हैं और जो स्टेटमेंट उस मुलाजिम ने खाबर मानिका और बुशरा मानिका या बुशरा खान उन्होंने जो उनके मुलाजिम ने कोर्ट में जो बयान दिया है उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कोर्ट में उस मुलाजिम ने डिस्कस नहीं की शायद फिर भी कोई भरम कोई पर्दा उस मुलाजिम ने रखा है मगर खाबर मानिका को जो इन्फॉर्मेशन दी उस मुलाजिम ने अपने साहब को बॉस को और बाकी फैमिली को जो चीजें बताई और एक जो हल्का अहबाब है इस खानदान का वहाँ पे जो उस मुलाजिम ने डिस्क... डिस्कशंस uh, की और कहीं ना कहीं किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं होने वाली इन्वेस्टिगेशन उस कहीं का जो है वो मैं आपको नहीं बता सकता वहां जो uh, एक पूरी कहानी सुनाई है तो कहा, देखिए एक होती है फला पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन एक होती है एंटी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन एक होती है नैप की इन्वेस्टिगेशन एक इन्वेस्टिगेशन होती है उसका नाम है कहीं की इन्वेस्टिगेशन ठीक है।, है तो वो जो कहीं की इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी उस मुलाजम ने खौफनाक किए कि क्या कुछ होता रहा क्या बताएस करना देखिए हम इस वक्त एक शो कर रहे हैं ना के हम किसी कैफे में बैठ के जो है वो पोडकास्ट नामी कप में कॉफी पी रहे हैं ठीक है, ये तो पी थी। है? भूल मैं, मैं नहीं भूल सकता मैं नहीं, नहीं भूल सकता नहीं। आपके सामने बैठ के तरे मुझे तरे मैं से से नहीं, नहीं भूल दे सकता दे क्या, मतलब, आप क्या ऐसी बातें जो आप आप ये भूल जाएंगी आप आप इस इशू को भूल जाएंगी निकाह शरी है या गैर शरी है आप इसको ही भूल जाएंगी वो ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे इल्जामात हैं ऐसे इल्जामात हैं ऐसे देखें उस मुलाजम ने ना तो पी टी आई के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है ना ही उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है ना ही वो पॉलिटिशन है ना ही उस हल्के में उसने सियासत वो तो एक मुलाजम है बीस हजार रुपए का वो तो एक बीस बाईस हजार रुपए का बेचारा मुलाजम है, तो है निकाह तो, तो बहुत बाद में हुआ ना निकाह तो बहुत बाद में हुआ निकाह तो बहुत बाद में हुआ Do you really agree to this fact? बिल्कुल मतलब, बिल्कुल 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 मैं इसलिए एग्री हूँ इसलिए एग्री हूँ कि तमाम तर आ, जो खातन हैं उनकी जिंदगी में आने वाली माजी में क्या वो सब झूठ बोल रही हैं सब झूठ बोलती रही सिर्फ एक शख्स जो है वो सच बोल रहा है जिसपे इल्जाम लग रहे हैं जिसके सबूत मिल रहे हैं जिसके श्वाहिद मौजूद हैं जिसकी गवाहियां मौजूद हैं सिर्फ एक शख्स जो है वो सच बोल रहा है वो चेयरमैन पीटीआई, एक्स चेयरमैन पीटीआई, अब वो चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे रेहम खान की किताब आपने पढ़ी होगी नहीं, मैं नहीं मैंने पढ़ी। आपने बहुत अच्छा किया नहीं पढ़ाई हाजरा की हा, हाजरा की किताब आपने सुनी होगी आई हर्ड एक्चुअली नॉट ओवर हर्ड एग्जैक्टली हां आज कल देखें किताबें पढ़ी नहीं जाती ये बदकिस्मती है हमारी आजकल किताबें सुनी जाती हैं उसके बाद एक बहुत बड़ा पंडोरा बक्स खुलने वाला है बैरोने मुल्क से एक एक खातून जो है वो मंजरे आम पर आएंगी कुछ दिन में जी की बात नहीं कर रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं। जमैमा आके उनके आ मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता उनके किरदार के हवाले से उनकी यादा के हवाले से जमा तो कोई इंकशाफ नहीं करेंगे इसलिए कि वो वाद औरत हैं जो इनके बच्चों की माँ हैं वैसे तो सीता वाइट भी उनकी बेटी की माँ है मगर ये है कि वो जो हैं जमा वो बड़ा एक पॉजिटिव रोल रहा इनके हवाले से जमा का और बड़ी बर्दाश्त है उस खातून में और मुख्तफ अदवार में और मुश्किल औकात में उन्होंने इनको सपोर्ट करने की कोशिश की ना कि जो है वो कोई नेक्टिविटी करने की जैसे आ, जो जो ख़वान को छोड़ के जाती रहीं वो नकटिविटी करती रहीं इनके मुताबिक अब मसला ये है कि वो आप भूल जाएँगी खान की किताब को भी आप भूल जाएंगी हाजरा की किताब को भी आप भूल जाएंगी ख़ाबर मानिका और बुशरा मानिका के मुलाजम के बयान को भी जब वो खातून तो वो कौन है नाम, कर दे, बता दे नाम खातून काफी होता है खातून कहना मेरे लिए तो सब एक जैसी होती है मैं तो एहतराम करता हूँ ना इसलिए मेरे लिए तो एक जैसी होती है तो <laughs> जब मैंने बताया कि आइंदा चंद रोज में कल किसने देखे मगरब के एक बड़े मुल्क से वो आवाज उठेगी और एक दास्तान गोई की जाएगी और उसमें सबूतों के साथ ऐसे ऐसे इंकशाफा किए जाएंगे हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि वो ख़ातून इस मुल्क के बहुत बड़े अजीम घराने की बहू रह चुकी हैं मैं अजीम वर्ड यूज़ कर कर रहा हूँ जब वो मंजरे यहाँ पे आएंगी नहीं तो नहीं मैं साबित सबत अजीम घराना कहा है मैंने अजीम नहीं। तो वो तो शरीफ कराना है ना वो तो शरीफ है वो तो शरीफ खानदान है मैंने 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 नहीं नहीं अजीम अजीम मैं 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 तो, तो आपको पता जाहिल आदमी घराने की की बात की। अच्छा देखिए आपके दिमाग कोई कोई पढ़ ही नहीं सकता आपके दिमाग तो ये जो तमाम तरज़ाम हैं उनके किरदार के हवाले से ठीक है इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो सच पर मबनी हैं ठीक है उनके इदारों के पास सबूत मौजूद हैं शवाहद मौजूद हैं अनगिनत ऑडियोज़ आ चुकी हैं एक वीडियो का भी बहुत चर्चा था शायद किसी वक्त वो वीडियो भी आ जाए तो वीडियोस भी हैं चूंकि तो लिहाजा तो हमें इन सबसे ये जो सारी इनकी वीडियोस हैं या उनकी पर्सनल लाइफ है इससे रेलिवेंसी है कहीं पे उनकी पॉलिटिकल करेक्टर और पॉलिटिकल रिस्पेक्ट्स वगैरह है एक जो बयान जो एक जैसे कहते हैं उन पे केसेस जो एलिगेशंस लगी हुई है एक लीडर जो होता है वो रोल मॉडल होता है आप रियासत मदीना की बात करते हैं ना आप रियास्ते मदीना की बात करते हैं तो रियास्ते मदीना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से उनके रोल से रियास्ते मदीना अच्छा वैसे ये भी तो होता है ना कि उन्होंने रियास्ते मदीना की बात की पाकिस्तान के लोगों के लिए की है अब ही हिमसेल्फ हुएवर ही है वो वैसी बात कर रहे हैं तो उस जैसे वो नहीं था एक क्या था मुझे भूल गया जो गरीबों को चोरी करता था। मतलब खुद वो जोर था गरीबों के लिए जितनी बुराइयां इनके आ, इनके जिम्मे आ रही हैं अभी तक ये गरीबों के है कोई फिर इस तरह कर लेते हैं कि इनकी जितनी ऑडियोज हैं और अगर कोई वीडियो हैं वो भी जब तक आ जाती है इनके हवाले से जितनी बुक्स है एक इनकी लाइब्रेरी क्यों ना बना दी जाए

कि जो भी है पर, जो भी करे चार जो भी हो रहे हैं मुझे नहीं पता क्या उससे अब इन पर है जो के साथ जाती की है या नहीं की है ना उसका इससे कोई कनेक्शन और उस कनेक्शन को लेकर अगर तो आगे हमें क्या हो रहा है बिल्कुल ये तमाम जो चीज़ें हैं एक रेलीवेंसी है आपस में और किसी भी आ, मुल्क बागडोर जो है एक ऐसे शख्स के हाथ में होनी चाहिए जो बासठ तिरसठ पर भी पूरा उतरता हो सदक अमीन भी हो उसका किरदार जो है वो बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए और उसे रोल मॉडल होना चाहिए अपनी कौम के लिए और दूसरी बात है कि आप जब इन सब चीज़ों में ही आप उलझे रहेंगे तो आप आ, किस तरह मुल्क को चलाएँगे किस तरह आपका जो रोल है वो डिलीवर कर सकेंगे किस तरह आप आ, जो है अपनी ड्यूटी है उसकी अंजामदही कर सकेंगे पूरी ईमानदारी के साथ ये नामुमकिन बात है ना नामुमकिन बात है बहरहाल ये सब चीज़ें हैं और आप ने चुके माइंड किया इन सब चीज़ों को तो मेरा तो यह मशवरा है कि अगर ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो एक वाकई एक उनके नाम से लाइब्रेरी बननी चाहिए और वो तमाम बड़े शहरों में वो लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ जा के लोग देखें कि वो क्या कुछ करते रहे अच्छा ठीक है मैं कहता हूँ कि एक एक रैंक रैंक बनना चाहिए उसमें करप्शन कहानी का जिसने जितनी करप्शन किया उसकी पूरी दास्तान जो है वो उस शेल्फ़ में मौजूद होनी चाहिए कि वहाँ पे न्यू जनरेशन जाए नए नई नस्ल जाए लोग जाएं वो जाके देखें पढ़ें और वो बिल्कुल आप एक अटेस्टेड होनी चाहिए मुल्क के तमाम इदारों से एक सनत की तरह वहाँ पर एक तमग़े की तरह वहाँ पर सजा होना चाहिए आर्काइव में कि जो किसी का करतूत देखना चाहिए चाहिए तो जी जी शादियों का तो जिक्र ही नहीं हो रहा बिल्कुल मैं किसी

इस वक्त लड़ाई रोज़ पे है मैं एक कहती है, नूरा दूसरी कहती दूसरी स्लो मिल नो, नो, देखें। आ, बिल्कुल एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को आ, जो सहूलियात मैसर होती हैं जेल में वो उनको मैसर हैं इनके लिए इजाफी वहाँ पे ट्रेडमिल मौजूद है इनके लिए स्पोर्ट्स साइकिल वहाँ पे मौजूद है ठीक है पूरी एक्सरसाइज वहाँ पे करते हैं खाना पीना इनकी मर्जी के मुताबिक हर चीज वहाँ पे दस्ताब है मैं सोच रही थी इंसान किसी हाल में कुछ नहीं, नहीं मतलब इतनी उम्र को पहुंच गई है इमरान खान की बहन है और वो नंद भाभी वाला रिश्ता भी मौजूद है वो अब पार्टी को लीड किसने करना है अब ये तो डमी है ना ये जो गोहर साहब आए हैं ये तो ये पहले पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ चुके हैं आपको ये पहले पीपल्स पार्टी में थे और अब जो है वो इनको चेयरमैन बना दिया गया अचानक से मसला ये है कि ये डमी चेयरमैन है फैसला होना अभी बाकी है कि लीड किसने कर रहा है बुशरा बीबी जो है वो पार्टी को लीड करना चाह रही हैं वो लीड कर सकेंगी आ, देखें एक साढ़े तीन साल इस मुल्क को भी लीड किया उन्होंने आपको पता है इस सूबे को भी जाम बैठे हैं पंजाब को भी लीड किया उन्होंने देती है। तो उनको यह लगता है कि वो पार्टी को रन कर सकती हैं और एक डिसीजन पावर पार जो है वो उनके पास है और कुछ उनके पास वो स्पेशल पावर्स भी हैं आपको पता है तो, तो, तो नहीं है ना

मुहतरमा बश्रा बीबी के हक़ में होगा लीड वही करेंगी अगर कहीं से उम्मीदवार निकल आए इस इलेक्शन में पीटीए के टिकट पे इलेक्शन लड़ने के लिए तो टिकट्स का फ़ैसला जो है वो बश्रा बीबी के सिग्नेचर से ही होगा उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होगा जबकि अलीमा ख़ान और बाकी बहनें वो ये चाहती हैं कि ये फ़ैसला साजी की जो एक ताकत है वो उनके पास होनी चाहिए पी टी आई के हवाले से तो इस बात पे झगड़ा बड़े अरूज पे पहुंच चुका है और जिस तरह जो है वो एक रूहानी फलसफे के साथ ओम चौधरी की छुट्टी हुई जे जहांगीर खान तरीन की छुट्टी हुई और इस तरह के कई लीडर्स को उनके उन मोहतरमा के कहने पे चेयरमैन एक्स चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी से निकाल दिया उनसे कता ताल्लुकी कर ली उनको फारिग करवा दिया उनके ऊपर एफ़ आई करवा दी उनको जेलों में भिजवाना शुरू कर दिया इसी तरह जैसे ही जमान पार्क वाले घर में बनी गाला से वो पहली दफ़ा शिफ्ट हुई तो एक अजीब माहौल बना दिया गया घर में घर की छत के ऊपर जो है ना वो बकरे लटका दिए गए जिबा करके और बताया जाता है उनकी सिस्टर्स को कि यहाँ पे कुछ आ, जो है ना क्या उसको कहते हैं कौन सी मखलूक होती है वो बलाएं। वो जो एक खलाई मखलूक है यहाँ पे कुछ अजीब सी मखलूक है इस घर में और वो जो है ना बकरे चुके पर हमने उनको हैंग कर दिया है तो आप देखिएगा कि वो जो है ना इनको खा जाएंगी और लिहाजा इस तरह की सिचुएशन बना के बहनों को जमान पार्क वाले घर से निकाल दिया गया कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाए तो उ जी जाहिर है।, है इस तरह का माहौल बनाया गया वहाँ पे जैसे एक दफ़ा वो शबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बनी गाला में पता नहीं वो कितने सैकड़ों जो हैं वो जो जलाई थी जो जलाई जाती थी मुर्गियाँ और बकरों की सी सीरियाँ और पता नहीं क्या क्या ठीक है जी इस तरह का तो खैर ये तो अब आ... एक आम सी बात हो गई है उनके हवाले से जब हम बात करते हैं बड़ी आम सी बात है तो अभी भी बुशरा बीबी की ये कोशिश है कि उनकी जो बहनें हैं उनका आ, पार्टी से ब्राह रास्त किसी तरह का कोई ताल्लुक जो है वो नहीं होना चाहिए, अच्छा, वैसे होना चाहिए। मुझे है कि इस चीज़ को चाहिए। आपको लगता है ना आप बुशरा खान है वो बुशरा बीबी है फ़र्क है आप दोनों की सोच में वो तो मुझे

हर हेयरिंग पे आ सकते हैं जेल के अंदर देखो ये ये तो बस फिर मसले के। आप के ये मसले हल हल नहीं नहीं हो हो सकते। सकते। yes. आप आप बगैर इन का हल चाहती हैं तो आप जाएं उन्हें मशवरा okay, दें। जी करें वैसे उन्होंने कभी किसी की बात मानी नहीं सुनी नहीं है मुर्शद उनके एक तो ये मुर्शद हैं एक उनके मुर्शद होते थे दो हज़ार के इलेक्शन में हारून रशीद जो है बड़े सीनियर एंकर उनके साथ वो अपने मुर्शद के पास गए थे पूछने के लिए कि इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अपने मुर्शद से पूछने के लिए गए तो मुर्शद ने बताया कि मुझे कुछ दिन दें अगली मुलाकात में मुर्शद ने एक प्लान दिया उन्होंने कहा कि एन की ये लिस्ट है इन लोगों को टिकट्स देना है ये जो लिस्ट है इनको हरगिज़ टिकट नहीं देना तो जब इलेक्शन आया तो जो मुर्शिद ने लिस्ट दी थी वो तमाम लोगों को फारिग कर दिया गया और जिस लिस्ट से मुर्शिद ने मना किया तमाम उन लोगों को टिकट दे दिया गया तो फायदा हुआ इनको फायदा बुरी तरह हार गए बुरी तरह हार गए तो इसलिए वो अपने मुर्शिद के साथ उन्होंने ये किया था तो आप अगर जाके उन्हें समझाएंगी मशवरा देंगी तो पता नहीं क्या होगा अच्छा मुझे ये बताएं कि जो पीएम पे क्या चल रहा है इनके तो आपस के मसले निकलत पी एम एल एन से पहले एक मैं बात जो है ऑडियो लीक के हवाले से आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये ऑडियो लीक पे जो है ना मुश्ति बहुत सीख पा हुई हैं ये जो सरदार लतीफ़ घोसा और उनकी ऑडियो लीक हुई है अब कितना अच्छा होता कि एक ऑडियो पहले भी इनकी लीक हुई थी जब जुल्फी बुहारी के साथ ये गुफ्तु कर रही थी और वो उन्हें कह रहे थे जी मुर्शद और ये उन्हें तरीके बता रही थी कि किस तरह खुतिन के साथ जो है वो रिलेशनशिप होनी चाहिए और आज आज आप जो है ना कहीं ना कहीं बस तो मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ क्या, क्या करूँ भाई, भाई मैं इसमें मेरा क्या कसूर है देखें जो जो माशरे में हो रहा है हमने उसी को डिस्कस करना है कहाँ जो है तमीरों तरक्की की कोई जो है ना वो तबलीग हो रही होती तो मैं हम उससे डिस्कस कर लेते हैं जो मसला ये है तो अब हम क्या करेंगे अब क्या तो करेंगे क्या कर है, है, सकते हैं आप भी इसमें जो है वो बेबस है और मैं बिल्कुल ही बेबस हूँ मैं बिल्कुल ही तो उस ऑडियो को आपने क्यों नहीं चैलेंज किया उस ऑडियो की तहकीकात का आपने क्यों नहीं कहा और जो ऑडियोज आप रिकॉर्ड करवाते रहे जो आप लोग लीक करते रहे जो वीडियोस आप लीक कर, कर करते रहे और आज मैं आपको एक राज बताता हूँ जब पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन बेग को आपने गिरफ्तार करवाया एक एफ़ आई ए के एक जाली एफ़ आई आर में जो बाद में ख़ारिज कर दी गई तो उस वक्त जब आपने उन्हें गिरफ़्तार करवाया और उनका कसूर इतना था कि उनके घर पे पी डी एम की कुछ मीटिंग्स चल रही थी ठीक है और आ, और उससे पहले आपकी दोस्ती भी बहुत थी मोहसिन बेग के साथ और जब गिरफ्तार करवाया तो आप जहां भी उनको रखा जाता था जिस हवालात में रखा जाता था जिस जेल में रखा जाता था आप वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगवाते थे और आप प्राइम मिनिस्टर हाउस बने गाला बैठ के ब्राह रास्त देखते थे कि इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा है इस वक्त वो क्या कर रहे हैं ये कौन से एथिक्स है कि आप इस कदर रिवेंजफुल होते हैं अपने महालफिन के लिए कि आप वहाँ कैमराज लगवा के और आप प्रेशराइज करते थे वजारत दाखिला के ज़रिए और महकमा दाखिला के जरिए आप उन फ़ोसेज़ को कि इन पर आप तशद करें और आप देखते थे कि इस वक़्त वो किस हालत में है ज़मीन पर बिठाया है कहीं कोई वहाँ पर कोई सहूलत तो नहीं है हवालात के अंदर या जेल के अंदर आप ये करते रहें मैं नाम ले रहा हूँ जब आपने और इस तरह के कई केसेस हैं जब आपने मोहसिन बेग को गिरफ्तार करवाया तो आपने कैमरास लगवा दिए थे और सफाई कैंप्स के जरिए लोग आपको बर रास्त दिखाते थे कि आपका मुखालफ हवालात में और जेल में क्या कर रहा है किस हालत में है और उसको कितनी मुश्किल हालात में रखा गया है तो उनकी इंक्वायरी तो करवाएं पहले आप उन लीक्स की तो करवाएं जो आप, आप रिकॉर्ड करवाते थे आपको नहीं पता

किस चीज़ से आपके हाथ नहीं रंगे हुए तो आप आप बताए ना बल्कि आप तो नाम कि लोग रिकॉर्ड करते तो लेकिन तो ले, <laughs> अच्छा सवाल है वो सुबह का नाश्ता उसी ने बनाया खावर, खावर साहब के लिए वो नाश्ता बहुत अच्छा बनाता है मतलब कि वो

तो आप बात कर रही थी मुस्लिम लीग नून की देखें बजाहिर लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी आसानी के साथ हुकूमत बनाने जा रही है और बड़ा एक जो है वो फूलों की सेज है हाँ, आसान है लेकिन नहीं है ऐसा कुछ नहीं है वो इस वक्त सख्त मुश्किल में है इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वन साइड इलेक्शन के लिए इस कदर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं पार्टी के अंदर कि आप तो नहीं कर सकती हैं आपको पता है हमजा शबाज शरीफ मुल्क छोड़ के जा चुके हैं नाराज़ हैं वो वो पाकिस्तान जी कल पूरा पूरी फैमिली चौधरी शुजात से मिलने गई ना कुछ रोज़ कबल पूरी फैमिली गई ना मियाँ नवाज शरीफ साहब गए मियाँ शबाज शरीफ साहब गए मरियम नवाज साहिबा गई उसके बाद कैप्टन सफदर गए उसके बाद जितने इनकी लीडरशिप थी सब गए हमजा शहबाज कहाँ थे आप बता देना कहाँ है हो के निकल गए। वो वो है? है। नहीं, नहीं, है। नहीं है मुल्क में वो ऐसे मौके पे मुल्क से बाहर चले गए हैं जब यहाँ टिकटों की तकसीम का मरहला है क्यों इससे पहले इंतबात में जो पंजाब टिकटों की तकसीम होती थी वो शबाज शरीफ और हमजा शबाज की मशावरत और मंशा के साथ होती थी अब पंजाब में भी उनसे मुशावरत नहीं की जा रही वो अलग मैटर है कि उन्हें उनकी बारी दी जा रही है नहीं दी जा रही वो तो एक अलग चैप्टर है आप ये हक भी उनके पास इस वक्त नहीं है कि वो अपनी मर्जी से टिकट्स की तकसीम का फैसला कर सके ये भी नहीं है अब उनके पास तो इस वजह से अंदर ग्रुपिंग है शदीद किस्म की ग्रुपिंग है नारोवाल में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है दानियाल अज़ीज़ और एहसन इकबाल की और मुझे हैरत हुई मैं समझ रहा था कि शायद सिर्फ़ एहसन इकबाल के बेटे के लिए टिकट मांगने पर दानियाल नाराज़ होंगे मुझे बहुत बाद में पता चला हाँ भतीजा मनान के लिए मनान को वो लड़ाना चाहते हैं पंजाब में तो एग्जैक्टली अब ये बात खुली है कि एहसन इकबाल अपने बेटे के लिए जो टिकट मांग रहे हैं वो दानियाल वाले हलके की टिकट मांग रहे हैं यानी कि एहसन इकबाल यह खेल खेल रहे हैं कि दानियाल को सिलेक्शन से, से आउट कर दिया जाए और उसकी जगह अपना बेटा दिया जाए exactly. एग्जैक्टली अहमद इकबाल और दानियाल अजीज की जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो उनके लीडर हैं उनसे वफादारी निभाते हुए वो पांच साल नाहल रहे हैं आपको पता है इस बात का पांच साल दाने अजीज ने नाहली काटी है यानी कि फर्क पड़ता है तो वो छोड़ के भाई इनके बालद अनवर अजीज़ जो हैं मैं उनसे मिला भी हूँ वो इस दुनिया में नहीं है आ, उनका बड़ी एक वहाँ पे रिस्पेक्ट है नारोवाल में शकरगढ़ में वो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है लोग उनकी इज्जत करते हैं वो लोगों के जो है ना वो आ, एक उस एरिए की जो सियासत है उसमें लोगों के ज़ख्मों पे मरम रखने वाले शख्सियत वो समझे जाते थे इसी तरह अजीज जो हैं वो बड़ा जड़ों के अंदर हैं वाम के अंदर हैं नारोवाल की तो इस सिचुएशन में सेक्टरी जनरल हैं आई थिंक अभी भी ऐसे इकबाल मुस्लिम लीग नून के तो वो अपने बेटे को दानियाल वाले हल्के से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं ये लड़ाई चल रही है अब ताज़ा तरीन जो हाल ये है कि दानल अजीज ने ये फ़ैसला कर लिया है अपने ग्रुप से मीटिंग के साथ जो उनका एक दोस्त अहबाब का ग्रुप है अपने हल्के के लोगों के साथ मशावरत करने के बाद ये फ़ैसला कर लिया है कि अगर दान अज़ीज़ को टिकट नहीं दिया जाता तो वो घर नहीं बैठेंगे बल्कि वो मुस्लिम लीग नून का जो भी उम्मीदवार आता है चाहे वो एसम एहसन इकबाल के साहबजादे होते हैं एहसन इकबाल ख़ुद होते हैं उनके भतीजे होते हैं वो उसके ख़िलाफ़ आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और वो मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह देंगे ये लड़ाई की नौबत आ गई है यहां तक अब सूरत हाल ये है कि एग्जैक्टली तो exactly. अब जब आप अभी तो जब जहां जहां, जहां आप सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं आपने सीट एडजस्टमेंट कर ली ना काफ लीग के साथ ये तो अभी एक फोटो सेशन था जो घर गए हैं आप अभी ये फैसला तो तब कर हो गया था ये तब मदा हो चुका है जब पी डी एम बनी थी और आप अदम एतम की तहरीक लेके आए थे सबक हुकूमत के खिलाफ ये ये तमाम अहदोप ये फैसला ये एक जो जोदा है ये तब हो चुका है ये कोई नई बात तो नहीं है अब क्या है कि वक्त जब करीब आ रहा है तो जिस हलके से आप तारक बशीर चीमा को इलेक्शन लड़वाने जा रहे हैं वहां जारी बात है कि आप अपना उम्मीदवार नहीं दे रहे ये हलका है मौजूदा गवर्नर पंजाब बलीगुर बलीन का ओ -ओ. यहाँ से पहले बलीगुर रहमान इलेक्शन लड़ते थे आपने गवर्नर क्यों बनाया बलीगुर रहमान को इसलिए कि तब वो जब मुआदा हुआ तो आपको पता था कि बलीगुर रहमान वहाँ से आ, सामने आ जाएंगे आपने उनको गवर्नर पंजाब बना दिया अकोमोडेट कर दिया अब वहाँ पे सऊद मजीद रह गए अभी भी वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं अब सऊद मजीद को आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा साल जो है वो सैनट के इलेक्शन भी है तो उन्हें सैनट में जो है वो जगह मिल अब आ जाए आप यहाँ की सूरत यहाँ ये है कि एक मारूसियत की सियासत इंतहा को पहुंच चुकी है देखिए मैं आपको फिर वो बात याद करवाऊंगा नौ मई से पहले मैं मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडर्स को मैं उनके नाम भी लूंगा किसी वक्त जानता हूं जिन्होंने अपने खानदानों में यह अनाउंस कर दिया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अगर नौ का ना तो नहीं उन्होंने में नहीं आना था वो फैसला कर चुके थे, खौफ थे, इस से। इसके से खौफ थे। क्या हो रहा है अब यह हो रहा है कि तमाम लोगों को इलेक्शन जोरों से आ गया तमाम सेहतमंद हो गए हशाश बशाश है रेडी टू कॉन्टेस्ट सबको टिकट चाहिए और कई जगह पे एक एक खानदान में पांच पांच टिकट्स मांगे जा रहे हैं पांच पांच टिकट जी जी मैं बता देता हूं आपको खोखर ख़ानदान है उसमें अफजल खोखर भी एन एन की सी टिकट मांग रहे हैं पहले भी वो लड़े जीते भी उनके भाई सैफल खोखर भी एन से लड़ना चाहते हैं वो पी, पी से भी लड़ना चाहते हैं उस उनके साहबजादे फैसल खोखर उनका भी टिकट मांग रहे हैं सिर्फ ये तीन नहीं है दो एन के टिकट मार मांग रहे हैं तीन पी पी के वो एक घर में एक फैमिली में पाँच टिकट मांग रहे हैं इसी तरह आ जाए आप ये तारड़ फैमिली है सारा अफजल तारड़ भी लड़ना चाहती है भी एन सिलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके तारड़ के भाई भी पीपी -पी में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं एक घर में चार से पांच टिकट्स वहां भी मांगे जा रहे हैं जब आप एक ही फैमिली में पांच पांच टिकट्स आपका क्या आप दे रहे हैं तो बाकी आप आ, कारकुनों को और बाकी कैसे को और जिन लोगों की कुर्बानियां हैं उनको कैसे आप अकोमोडेट करें बंदर बांट हो गई ना टिकटो की वो इसलिए हो गई की बजहिर आपको एक आसान इलेक्शन नजर आई मुकाबला तो है नहीं पंजाब की है ना अभी कौन पीछे पीपीपी से भी नूरा कुश्ती चल रही है और पंजाब में ख़ास तौर पे आपने वो खुद ही बता दिया कि यहाँ उनकी सूरत हाल क्या है ज़ीरो पोजिशन है एक पार्टी आईपीपी आ गई

मुकाबला नजर आ रहा है और कहीं इलेक्शन थोड़ा बनता हुआ दिखाई देता है तो सामने आईपीपी दिखाई है आईपीपी इनको दे दी है साहबजादे बाबला दानियाल अजीज और इधर आई पी पी का उम्मीदवार तो ये वोट डिवाइड होगा नून लीग का यहां से आईपीपी आईपीपी का उम्मीदवार जीत सकता है ऐसे हल्कों से फ़ायदा आई पी पी को हो सकता है जहाँ जहाँ इनकी इनके लोग आज़ाद खड़े इनके सामने आ गए इनका वोट डिवाइड हो गया वहाँ पे अब ये सारी सूरत हाल है इसमें अभी तक तो ना ही मरीम नवाज़ कामयाब हो पा रही हैं मैंने आपको शायद आपसे वो डिस्कस कर लिया था गुजराँ वाला का इशू मैंने आपसे वो भी डिस्कस कर लिया था एहसन डार फौरी तौर पर फोरी पे वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं

अब उन्हें, उन्हें अपना पैरा देना पड़ा आके वो बैठ गए अपने भाई के 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 लिए लिए उमर डार क्या क्या आपने टिकट टिकट का वादा किया था आप दें मतलब ये तो इतना सिचुएशन है द ग्रुप उन्हें अपनी क्या होश हो और दूसरा खास तौर पर समझना चाहिए हालात कैसे भी हों

उनके अंदर ही आपस में इतने मसले चल रहे हैं कि उन्होंने किसी और के साथ क्या इलेक्शन लड़ लिया उनके आपस के मसले हल हो रहे उनको तो ऐसे लग रहा जैसे मेला खुल गया बाजार खुल गया जाएगा उनको मुकाबला नहीं नज़र आ रहा ना वो वो पी वाला लेकिन आई तो खरी ही हुई ऑब्वियसली सामने और आई पी पी जो उनको टाइफ टाइम दे रही है वो तो दे रही है देखते हैं आई पी पी के साथ क्या क्हदा तय करते हैं कैंडीस करते हैं विल सीआ हैड और वक्त का रुक है अभी कल भी आ जाएगी इन शाला और देखेंगे कि कल क्या सिचुएशन है और फिर कल वी विल डिस्कस वी विल लेट यू गाइस नो सो टिल देन जस्ट टेक केयर And don't forget to share, like, and subscribe our summer podcast as usual. Which I is just leaving, thanks to you as well. We'll catch with you guys with another interesting, hot burning topic. Till then, bye bye.